इतना एडिट करके डाल रहे हम लोग अरे धनंजय भाई तो पीछे लो ऊपर ले मैंने किया शंकर भाई के बुलाने का मेरे को नहीं मालूम था ना अरे आ तो नहीं रहा ना अरे अरे यार ये भी बैठ गया अरे प्रमोद दा फिर बात तो वीडियो मांगे दूंगा नहीं चलिए 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 बंद करो पहले गेट को बंद करो गेट को बंद करो फिर खोलना आ जाओ सब लोग आ जाओ गेट बंद करो फिर खोलना मैं बोलूंगा तो उल्टा पटांग काम कर रहा है तो क्या भी आ रहा है आ जाओ आइए सर आइए वेलकम टू मुंबई सर आइए आइए भाई इधर सेंटर में आइए आइए ओ सचिन भाई सचिन भाई हाथ पीछे लो यार हेलो अपने अरे भाई एम्बियंस पे यार तो लगा ऊपर करें क्या इसको और बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट मैम अगर हम नवरस की बात करें तो नौ भाव के नौ अरे वसु भाई माइक बंद माइक ये सारे नौ भाव हमारे जीवन से जुड़े हैं पर सबसे जो प्यारा भाव था जिसको करने में मुझे बहुत आनंद आया था वो था श्रृंगार रस और श्रृंगार रस में मतलब पारितोष भी है उसमें रेसी है मैंने किन्नर का रोल किया था बाबा माई का वो बड़े ना बड़ी क्लोज है इसलिए वो ना फिल्म की पहली कहानी भी है बाकी पारितोष बताएंगे आप नहीं आपने कहा कि विच वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी ऑल स्टोरीज आर रियली स्पेशल स्टोरीज तभी तो ये यही नौ कहानियाँ चुनी गई वरना नौ रसों की और भी कहानियाँ हो सकती हैं ये सबसे अच्छी बात है कि प्रवीण जी की ये सोच है ये सोच इतनी स्ट्रांग है जो सोसाइटी के लिए एक होता ना कि एंटरटेनिंग फिल्म एंगेजिंग फिल्म ये ज़रूरी फिल्म ये ज़रूरी फिल्म है फॉर दिस सोसाइटी पूरे हिंदुस्तान के लिए शुद्ध प्योर भारत की मिट्टी की फिल्म है शुद्ध प्योर हमारे आसपास की कहानियों की फिल्म है जिस कहानी में मैं हिस्सा बना हूँ उसे मैं बहुत रिलेट करता हूँ बाकी कहानियाँ मैंने अभी देखी नहीं मेरे लिए भी सरप्राइज है बहुत रिलेटेबल स्टोरीज हैं इसमें बच्चे की बात हो रही है इसमें डाइवोर्स की बात हो रही है इसमें बलिदान की बात हो रही है इसमें एक ह्यूमन बेसिक ह्यूमन इमोशंस की बात हो रही है जलन की बात हो रही है ये सब हमारे भीतर है तो आप किसी ना किसी स्टोरी से बहुत रिलेट करेंगे आपके लिए कितना चैलेंजिंग है और यू नो वी हैव स्टार्टेड यू नो वाचिंग यू ऑन अ डिफरेंट अवतार आई वुड से अदर यू नो व्हाट वी हैव सीन यू सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स इन द इंडस्ट्री नाउ स्टार्टेड विद लूडो एंड यू गोइंग
you know, this is not the thing you're doing. What is the most challenging part while working on it? It was very difficult for me to play that character. That is very tricky character. वो प्यारा लगते लगते कब हरामी निकल जाता है पता नहीं चलता है. तो वो बहुत थिन लाइन थी. अभी स्टोरी रिवील नहीं कर सकते बट और इनके साथ परफॉर्म करना, हमने भी साथ में कॉमेडी ही की है इससे पहले, हमने टीवी शोज किए हैं तो. पर इन्होंने जैसे ब्रीफ किया, और वैसे तो किसी से जलन नहीं होती पर इस आदमी से हो रही है, इतने अच्छे अच्छे करेक्टर सारे इन्होंने किए हैं. 9 कहानियाँ हमारी वाली कहानी में इन्होंने यूनिक का करेक्टर किया है और बहुत कमाल है. हमारे इनके बहुत सारे सीक्वेंसेज हैं साथ में, वो बहुत अच्छे से निकल के आए. मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि ऐसा मैंने कभी कैरेक्टर किया नहीं है. क्या कह रहे हो पॉसिबिलिटी जब मैं बात करता हूँ आपके बैकग्राउंड की, नो यू नो यू यू कम फ्रॉम यू नो अ लेजेंड बैकग्राउंड, क्या पॉसिबिलिटी है यू टेकिंग इट टू सम शोज आल्सो? कपिल का शो अब अलग अलग लेवल पे पहुंच गया है, क्या पॉसिबिलिटी है आप एज ए गेस्ट वहाँ पहुँचे उनको प्रमोट करने के लिए? डेफिनेटली आई वुड लव टू गो देयर. हमें लोग आमंत्रित करें, हमें लोग बुला रहे हैं, पूरे भारत भ्रमण पर निकले हैं, जहाँ जहाँ स्वागत किया जा रहा है वहाँ जा रहे हैं. डेफिनेटली हमें लगता है हमारी टीवी इंडस्ट्री हमारी अपनी है, हमने कुछ 15 साल मैंने दिए हैं, इन्होंने 27 साल दिए हैं, तो हमें बहुत ढंग से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं. आप जो ट्रेलर इन्होंने डाला है अपने चैनल पर, उसे आप नीचे कमेंट पढ़ें, एक भी बुरा कमेंट नहीं है. तो चाहे एक नॉर्मल ऑडियंस हो से लेकर चाहे हमारे अपने दोस्त हैं, सबने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है. दे आर रिस्पॉन्डिंग रियली गुड. क्या आपको लगता है कि यू नो बिफोर वी गो ऑन द फ्लोर और बिफोर वी लीव द फिल्म थिएटर, हमें तो पहले फेस्टिवल्स में बहुत सारे फेस्टिवल्स में होके आई है जी, थोड़ा सा और फेस्टिवल्स में और जाना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ देयर आर नंबर्स अनगिनत अवार्ड, 58 एंड स्टिल काउंटिंग, स्टिल वी आर गेटिंग गुड न्यूज. मुझे ऐसा लगा कि जब हमारे जब फेस्टिवल्स में चल रही थी, जब हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, संजय भाई भी थे वहाँ पर, तो उस स्क्रीनिंग पे जो मतलब एक भक्का मिला मुझे ऑडियंस का, मुझे लगा ये देश की फिल्म है और देश पुकार रहा है, मतलब ये देश आनी चाहिए. इसलिए मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर सर आपको पता है कि बहुत कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारी जंग लड़नी पड़ती है हमें, और मेरे पास ऐसा सक्षम आइडिया था नहीं कि मैं मतलब मैं बहुत सारे होर्डिंग लगाऊँ वो लगाऊँ. मेरा ये था कि देश की फिल्म है, देश ने मुझे 58 अवार्ड दिए हैं, तो मैं देश के साथ निकलूंगा, देश को बताऊंगा कि हम आ रहे हैं 18 अक्टूबर को. और जो हमने यात्रा तय की कश्मीर से कन्याकुमारी की, जो तय कर रहे हैं और आज 24वें दिन जब हम मुंबई में पहुंचे हैं, सर आप मानेंगे कि इतना प्यार मिल रहा है भारत का, इतना प्यार मिल रहा है देश का. गली की स्टोरी में हम सूरत में थे, वहाँ पे मतलब कुछ किन्नर बहनें मिली, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा हाँ तेरे जैसे सोच अगर सबको जाना तो हमें सड़क पर ना चलना पड़े. सर ये हम जीत गए, मतलब सिर्फ पैसा कमाना मेरा मकसद है, मेरा मकसद है कि जेन्युइनली जो ये समाज की 9 कुरीतियाँ हैं उनसे जेन्युइनली हमारे समाज में परिवर्तन आए, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप ना हो, हमारा डाइवोर्स ना हो, क्योंकि डाइवोर्स हस्बैंड वाइफ का नहीं होता, पेरेंट्स और बच्चे का होता है, और डोमेस्टिक वायलेंस ना हो. मेरी नज़र में वो आदमी जो औरत पे हाथ उठाता है वो नपुंसक है, उस नपुंसकता को ठीक करने के लिए हमें ग्राउंड लेवल पे आज से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है, वो फुर्सत के लम्हे लुप्त होते जा रहे हैं, परिवार में मतलब लोग बैठना बंद कर दिए हैं. तो हमारी ये जो 9 कहानियाँ हैं उन 9 सामाजिक कुरीतियों को अंत करने का एक प्रयास है, और उस प्रयास में पूरा भारत साथ दे रहा है, पूरा भारत आशीर्वाद दे रहा है. तो यही एक प्रयास है कि हमारा यूथ यस में बिलीव करे, मैं भी यस में बिलीव करता हूँ. इसलिए मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि 18 अक्टूबर को हम इतिहास रचेंगे और मिरेकल होगा, है ना पारितोष? बिल्कुल. इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है, इतने सारे मैसेज दे रही है, अभी तरह के हालात हैं मुल्क में जब हम